मुझ पे इतना ज्यादा प्यार आ रहा है। Hey guys, welcome back to my channel। तो अभी बजे दिन के 2:30 और आज ना पता है क्या हुआ, अचानक से मेरे पति को मुझ पे इतना ज्यादा प्यार आ गया है कि वो मुझे डेट पे ले जा रहा है। मतलब वैसे तो हम लोग काफ़ी बार डेट पे गए हैं, मतलब ऐसा खाना पीना मूवी और मतलब लंच डिनर मूवी के लिए तो बहुत ज़्यादा गए हैं, पर ऐसे लाइक ऐसे पता नहीं कैसी डेट होगी मुझे भी नहीं पता। बस आप व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए आज मेरा पति मेरे साथ क्या करना चाह रहा है मुझे भी नहीं पता। शायद इसीलिए कि शादी के बाद मैं उसको अच्छे से ट्रीट करूँ, उसके लिए मुझे पटा रहा है पता नहीं क्या 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 जो भी है। आज तो ये फुल फॉर्म में लग रहा है मुझे, इतनी इज्जत। तो हम लोग पहुंच गए हैं सीपी और ये सबसे पहले मुझे लेके जा रहा है कहाँ, शॉपिंग करवाने के लिए। और शॉपिंग करवाने के लिए ले जा रहा है मेरी फेवरेट ब्रांड H&M। आज मेरे पति को बहुत प्यार आ रहा है मुझे, पता नहीं क्या खा के आया भगवान। ऐसे कहाँ से आते हो सूर्य देवता आप, ऐसे हमेशा आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर लिया और मैंने अपने पति को आज बहुत लूट लिया है और अब हम यहाँ से जाएंगे, मुझे भी नहीं पता। पंखे आ तो जरा, और ये लुक है हमारा आज का। और मैंने घर से हील्स पहन के आई थी पर मेरी हील्स टूट गई, फिर मैंने यहाँ पे स्लीपर भी ली और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। चले कैसा लग रहा है आपको लूट के? लूट के डबल भी जाएंगे। चलो चलो। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी किसी रेस्टोरेंट में जाए कुछ खाए, पर यहाँ पे ना मतलब जो जिस रेस्टोरेंट में मैं जाती हूँ वो काफ़ी दूर दूर तक चलना पड़ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम अपनी गाड़ी के पास जाते हैं वापस और कैफे सैंडोज़ वहीं चले जाएंगे। लेकिन हमारी गाड़ी खो गई है गाइस, हम लोग यहाँ घूमते 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 रह गए हैं। हमें मतलब हम बी ब्लॉक में थे, H&M बी ब्लॉक में आता है, हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी है के ब्लॉक में और हम अभी एम ब्लॉक में घूम रहे हैं और हमें के ब्लॉक नहीं मिल रहा है और ये मुझे घुमाते रह रहे हैं। तो इन लोगों ने बोला गाड़ी को मारो गोली और हम पहले खाएंगे आइसक्रीम। क्या कहाँ है? देखो है हमारी गाड़ी, मजाक कर रही हूँ। हमें के ब्लॉक मिला नहीं, गाड़ी हमारी मिली नहीं, पर हमें रेस्टोरेंट मिल गया है और अभी हम यहाँ पे बैठ के कुछ खाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे। तो यहाँ पे डेट पे मुझे नहीं, हम पंकज को डेट पे लेके आए हैं। मुझे शर्म आ रही है। तो जब से ना हम लोग सीपी आए हैं तब से मैं पंकज को और आयुष को, चलो पंकज को तो समझ में भी आता है पर इस लड़के का बिल्कुल भी नहीं। ये ना सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देख रहे हैं। और पंकज तो एक लड़की बाहर से वो दिख रही होगी पिंक ड्रेस वाली, कहती अंदर आ जा अंदर आ जा, दिखा तो अपनी शक्ल तो दिखा, कह रहा हमारे साथ आके खाना खा लो, यहाँ पे सीट खा ली है, दिखाना अपनी शक्ल तो दिखा, इसके साथ इसके मुंडी ऊपर को कर। ये सख्त आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे पास। तो देख लो माताश्री, आप बोलते हो मेरा लल्ला बहुत सीधा है, ये आपका लल्ला सीधा नहीं है, लड़कियों के पास जाके ही करके बातें करके आ रहा है। ये जीआईटी में बोला जा रहा है गाइस, मेरे लिए नहीं। तो हम लोग की ड्रिंक्स आ गई है, हम लोगों ने वर्जिन मोहितो मंगाई है अपने लिए और इसने मंगाई है अपने लिए मैंगो लस्सी भी आ गई। बताइए सी छोरा बोलता इससे बाहर आ गया थोड़ा मैंगो लस्सी। थोड़ा सा नमक ज्यादा है, बाकी अच्छी हो रही है।
तो ये है हमारा देसी छोरा जो कि खा रहा है रोटी सब्जी, रोटी पनीर, और ये है पहाड़ी लड़का जो खा रहा है चावल। ये चावल नहीं है रे, फ्राइड राइस खा रहा है। पहले कहते मैं हाका नूडल खाऊंगी और मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ। देखो मेरे प्लेट ही नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, वो गार्लिक नान। तो हम लोगों ने मस्त खा पी लिया है और हमें हमारी गाड़ी भी मिल गई है, और ये हमारी गड्डी की चाबी। पहले आप निकाल लो गाड़ी। पहले आप गाड़ी निकाल लो। गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहे दिन के 3 और आपको पता ही है कि आजकल मैं रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है और आजकल मेरे मूड इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कैसे चेंज हो रहा है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ फर्नीचर मार्केट, और वहाँ क्यों जा रही हूँ, पहले वहाँ जाऊँगी अपना काम करूँगी, अगर मेरा काम होता है तो उसके बाद आपको बता दूँ कि मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ, अदरवाइज़ मेरा फिर से मूड ख़राब ना हो जाए। बाकी उसके बाद मैं थोड़ा छोटे मोटे काम और करने हैं, कल और परसों मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट, कि इतनी नगर फर्नीचर मार्केट में पहुंच गई हूँ, पर यहाँ पे ना इतना सारा शॉप है, इतना सारा शॉप है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं किस शॉप में जाऊँ। तो शॉपिंग करके मैं इतना थक गई थी तो मैं सबवे में आ गई, और अभी यहाँ पे पहले कुछ खाऊंगी उसके बाद वापस से जाऊँगी। और जो मैं लेने आई थी ना, मुझे एक दो शॉप पर मिला और अच्छा भी लगा, पर उसका प्राइस ना बहुत ज़्यादा ही हाई हो गया था, तो इसीलिए अब मैं दूसरी शॉप में लिखूँगी वन लास्ट, उसके बाद वरना मैं लूँगी नहीं उस चीज़ को, और जो लूँगी ना वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है, बाद में बताऊँगी। मेरे को लगता है कि थोड़ा एक जो मेरी लास्ट शॉप है उस पर जाऊँगी, उसके बाद बता ही दूँगी क्या देखने गई थी। तो मस्त खा पी ली हूँ मैं, और अब मैं पंकज का वेट कर रही हूँ, क्योंकि पंकज गया था अपने पापा के पास और यहाँ मैं अकेले आई थी, तो उसने कहा दीदी आप रुको, आप अकेले मत जाओ, अब मैं आपके साथ आता हूँ। तो अब मैं उसका वेट कर रही हूँ, बस वो एक स्टेशन पहले है और आने ही वाला है। तो गाइस अभी ना मैं अशोक पार्क में पहुँच गई हूँ, और मुझे ना मेरे गाइस भी मिल चुके हैं, इन लोगों की बतिया भी स्टार्ट हो चुकी। बतिया कैसा लग रहा है? सबका मुंह देखो कितना थक गए हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम लोग जा रहे हैं आयुष के लिए शॉपिंग करने के लिए। अभी आपको बोला ही था पहला व्लॉग एंड किया है, दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और पंकज को ना हमने पीछे बैठा दिया। देख तो पंकज, इधर को तो देख, इधर को तो देख, इसका सपना था बाइक में, बाइक में उल्टा बैठने का सपना था इसका। पंकज देखे तो गोरा गोरा आ रहा है, आप देखेगा देख कितना चालू है। हाँ तो पंकज कह रहा है मैं आज पहली बार, वो अंकल कह रहा है तुमसे भी मोटा मोटा लड़का बैठता है इसमें, वो कह रहा है मैं पहली बार बैठा हूँ, उसको डर लग रहा है कहीं मैं उड़ ना जाऊँ। तो अभी हम आपको सीधे आयुष के ड्रेसेस दिखाते हैं, अगर पसंद आती है तो पसंद क्या लेनी है यार, जो भी हो। देखो हमारा दूल्हा सिर्फ शादी को एक हफ्ता बचा है, एक हफ्ते पहले अपने लिए कपड़े खरीद रहा है, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है शादी में, इंटरेस्ट नहीं है, टाइम क्यों खराब करना, अब टाइम आया लेंगे ड्रेस। ये ना सस्ते में, ये सस्ते में काम नहीं, पहले के चक्कर में देगा देगा, मेरे को तो पैसे देने नहीं, मामा को देने हैं। देख लो मामा जी आपको लूटने का अभियान चल रहा है यहाँ। मुझे चांदनी चौक भी जाना था, पिछले 2 घंटे से हम इसकी ड्रेस देख रहे हैं पर इसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। 10 मिनट फाइनल की है, झूठ बोल रहा है, हम 6 बजे 6:30 बजे आ गए थे, अभी 8:30 होने वाला है। अपने नियम तो 10 मिनट क्या पहन के बैठा है, और देखो इसको ये वाले कलर का कोट पैंट पसंद आ रहा है, बुड्ढो जैसा अति भल होगा तू, समझ में आया तुझे शंकु, अति भल होगा तू, देखो बाना थू पुरछ तू, ठीक छ, क्या कहा मैंने, वो देख वो देख, ला पहन के देख ले। तो रात के 9:30 बज गए और अभी हम घर पहुंचे हैं 5 मिनट पहले, और ये देखो मेरे कितने सारे कपड़े जो मैं पैक कर चुकी हूँ, और ये वाला और एक ये वाली जैकेट कल मैं खरीद के लेके आई थी अपने पति को लूट के, तो मेरे कितने सारे कपड़े जो, और ना आजकल आयुष को मुझ पे इतना ज्यादा प्यार आ रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया, कल भी मुझे शॉपिंग करवाई, कल भी मैंने इसका 7-8 हज़ार रुपये का चूना लगा दिया था, मतलब टोटली कल भी हमने 10 हज़ार रुपये खर्च कर दिए थे, और आज भी ये मेरे लिए कुछ लेके आया है, वो दिखाती हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या लेके आया है। उसका देखो इतना प्यार कैसे आ रहा है आजकल आपको मुझ पे, कल भी शॉपिंग कराई, आज भी ये सरप्राइज कुछ लेके आ गए। कौन लेके आया है, क्यों नंबर बना रही है मेरे, ये है ना, दिखाओ ना मुझको, आपने तो कहा था मत देखना, पंकी देख तो सही, आपने जैसे लेके आया कैसे लेके आया, खोल ना, मेरे पापा की तरह हरकतें कर रहा है, बिल्कुल मुझे हॉट हॉट बनाने की कोशिश कर रहा है गाइस मेरा पति, क्रॉप कैसा लग रहा है,
कल भी मुझे बोला था ये छोटे छोटे कपड़े लेने, बड़े बड़े कपड़े मत ले। तो रात के 11 बज गए हैं, मैंने सारे जो ड्रेसेस वो मिलने लेके आया था, स्वेटर कार्डिगन इस टाइप के कुछ लेके आया था, तो सारे मैंने ट्राई किए हैं और अब आपको भी दिखाती हूँ कितना कुछ लेके आ गया। मेरे को लगा था एक दो लेके आएगा लेकिन वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच पाँच लेके आया। देखो सारे के सारे ना सेम कलर है, देखो ये भी लैवेंडर, ठीक है, दूसरा ये भी लैवेंडर, तीसरा ये भी लैवेंडर और वाइट है, ठीक है, चौथा थोड़ा ये इसमें थोड़ा अलग हो गया, ठीक है, पांचवा ये भी थोड़ा लैवेंडर लैवेंडर, इसमें पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन, और जितने भी है ना इसमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। और आज हम ना आयुष के लिए कुर्ता भी लेके आए थे, दिखाती हूँ, वो भी लैवेंडर, पता नहीं हम लोग को लैवेंडर का क्या चस्का चढ़ गया आजकल, तो ये भी लैवेंडर और इसके साथ ना मेरी साड़ी मैच होगी एक, तो ये कुर्ता मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि ये साड़ी इसके साथ मैच हो जाएगी। अरे इस पर अच्छी नहीं आ रही पर सामने ज़्यादा अच्छी लग रही है। और कल भी ना हम लैवेंडर ही लेके आए थे, देखो लैवेंडर का चस्का हमको लग गया रे।